प्रशासन के द्वारा मानकों की अनदेखी के चलते आए दिन डगामार वाहन कोई न कोई बड़ी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला बलिया के चितबड़ा गांव थाना क्षेत्र के कारू गांव से है, जहां पर बालू से भरी अनियंत्रित ट्रैक्टर ने साइकिल से ट्यूशन पढ़ने जा रही मासूम को रौंद दिया, जिससे मासूम की मौके पर ही मौत हो गई। वही घटना से नाराज ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया, जिससे पूरे इलाके में भगदड़ मच गई। वहीं सूचना पाकर स्थानीय थाना पुलिस ने बच्ची के शव को उठाया तो ग्रामीणों ने हंगामा शुरू कर दिया। काफ़ी देर बाद मौके पर पहुंचे तहसीलदार सदर और क्षेत्राधिकारी सदर ने नाराज ग्रामीणों को समझा बुझाकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं गिरफ्तार आरोपी ट्रैक्टर ड्राइवर से पूछताछ कर रही है। बच्ची का हुआ है कारो ग्राम सभा में, वो उसके बड़े पिता हैं जी, और बच्ची जो है कोचिंग के लिए जा रही थी, सुबह के समय था, और इसी रास्ते से जो है अवैध खनन वाली जो है टालियाँ जाती है प्रतिदिन, प्रशासन कुछ नहीं करती है, उसी टाली के द्वारा जो है हमारी बच्ची का जो है मौत हुआ है। पूरे शरीर पर जो है अपने किनारे साइड से थी, साइकिल भी ध्वस्त हुई और उसका जो है पूरे शरीर से सब जो है एकदम चकनाचूर हो गया। अवैध बालू खनन रात कर जा रहा था और आए दिन हमारे नगर में क्या पूरे जिले में अवैध खनन बालू की कोई घोटा कोई रोकथाम नहीं है, आना प्रशासन रोक रही है, आना कोई नेता रोक रहा है, और गया दाब के चला गया। 7 बजे घटना सूचना देने के बावजूद 12 बजे 12:15 के करीब में यहाँ प्रशासन के लोग आए। तो अभी बालू लेके आ रहा था तो बच्ची इधर साइकिल से घर जा रही थी जी, उसी से दब के मर गई है। बच्ची जो है करीब 8 साल की है जी। परिवार वाले गए थे, अभी दवा लेने के लिए आ गए, हमसे बात चल रही है, जो भी विधि कार्रवाई वो किया जाएगा जी। सर इन लोगों का आरोप है कि यहाँ पे प्रतिदिन अवैध बालू का जो खनन होता है, यहाँ से इसी रास्ते से जा रहे हैं और प्रतिदिन ये गाड़ियों की रफ्तार कुछ ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये घटना हुई। सर तो क्या इस रफ्तार पे सर लगाम लगना चाहिए या जाएगा? जाँच कर रहे हैं उसकी, खुद जाँच कर रहे हैं।